एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपके अंदर सांसें हैं तो इन सांसों को बाहर छोड़ दो, सांसें फिर से लेना मत, अपने शरीर को खाली कर दो, और शरीर को खाली रखते हुए सांसों को रोके हुए मेरी बात को आगे सुनते जाना। धीरे धीरे जब आप ये वीडियो देखेंगे और आप सांसें नहीं लेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको घुटन महसूस होगी, और उस घुटन की वजह से एक पॉइंट पे आपका शरीर फिर से सांसें भरने की कोशिश करेगा। इसी घुटन के अंदर छिपा हुआ है आपके पूर्वजों से मिलने का राज, इसी घुटन के अंदर छिपा हुआ है कि कैसे आप अपने पूर्वजों से अपने जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। इसी घुटन के अंदर छिपे हुए हैं वो सारे सवालों के जवाब कि अमावस को अमावस क्यों कहा जाता है। महालय अमावस के दिन जब हम श्राद्ध करते हैं, पितृपक्ष करते हैं, तर्पण करते हैं, तब वो जो खाना हम देते हैं क्या हमारे पूर्वज ही उसे खाने के लिए आते हैं या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब इसके अंदर छिपे हुए हैं और वो मैं अभी आपके सामने खोलने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप अपनी सांसें भर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी सांसें नहीं भरोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका शरीर खुद ही ये चीज कर लेगा उस घुटन की वजह से। उस घुटन में आपको तब रियलाइज होगा कि जीवन की अहमियत है, मुझे जिंदा रहना है, मेरी सांसों की अहमियत है, और आप थोड़ी ही देर में ये करोगे। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तब आपको वो अहमियत समझ आएगी। लेकिन नॉर्मल डेज में ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान ने ये जो सांसें हैं ना उसकी फैक्ट्री ऑटोमेटिक कर दी है। भगवान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बहुत पहले कर दिया था। दो वायर जुड़े हुए हैं आपके अंदर नॉर्मल लाइफ के अंदर, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ये दो वायर हैं जो आपकी नाक के छेद के पास आकर खुलते हैं, एक के पास एक, दूसरे के पास दूसरा। अब अगर आप अपनी उंगली नाक के नीचे ले जाएंगे तो किसी एक छेद से ज्यादा हवा बाहर आ रही है, क्योंकि हम नॉर्मल ह्यूमन के अंदर एक टाइम पे सूर्य नाड़ी काम करती है, एक टाइम पे चंद्र नाड़ी काम करती है। तो एक ही छेद से ज्यादा हवा बाहर आएगी, कोई एक नाड़ी काम कर रही होगी। ये दोनों नाड़ियां अपनी फैक्ट्री के अंदर आपस में एक दूसरे के अंदर चेंज करती रहती है और अपने सांसों को अंदर बाहर करती रहती है। लेकिन जब अभी आपने सांसों को रोका मेरे कहने पर, तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो बंद हो गया। लेकिन आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ये जानती है कि आपके अंदर अभी आत्मा है, आपकी मृत्यु नहीं हुई है। अगर आपकी मृत्यु हो गई होती तो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी आत्मा आपके अंदर है और आप जानबूझकर इन दोनों का इफेक्ट बंद कर दोगे तो इसे करंट की जरूरत होगी, इसे सांसों की जरूरत होगी, और ये आपको घुटन महसूस कराएगी। वैक्यूम जो बनता है, घुटन जो बनता है, उसमें वो रह नहीं पाती है, इसको सांसें चाहिए, तो ये आपको फीलिंग देगी वैक्यूम की। अब इसी चीज को अमावस कहा जाता है। जब अमावस बाहर होती है तब क्या होता है? ना चांद होता है, रात होती है, और सूरज का भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ना सूरज का इफेक्ट, ना चांद का इफेक्ट। जब इन दोनों का इफेक्ट बंद हो गया तो इसे हम अमावस कहते हैं। और वही चीज आपके अंदर हो रही है, जब इन दोनों में सांसें देना बंद कर दोगे तो आपके अंदर भी एक अमावस की सिचुएशन क्रिएट होगी, यानी एक वैक्यूम क्रिएट होगा। कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड बाहर है वही ब्रह्मांड अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि। ये क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वही प्रोसेस बाहर भी हो रहा है। चलिए, अब अगर आप इतना समझ गए तो अब आगे जो मैं बताने वाला हूं यहीं पर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई इंसान की मृत्यु हो जाएगी तो उस इंसान को सांसें भरने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम के अंदर ही रहेगी। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बंद हो जाएगी, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसके ऊपर सील लग जाएगा, और वो इंसान जो है, उस इंसान की जो आत्मा है वो शरीर छोड़ के बाहर चली जाएगी। अब जब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का इफेक्ट ही बंद हो गया, उस फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है, तो हम शरीर को जला देते हैं। अब यही चीजें आपके घर में आपके पूर्वजों के साथ हुई होगी। आपके पूर्वज एक दिन वैक्यूम के अंदर समा गए, सांसें सारी चली गई, शरीर को भी जला दिया, बचा क्या? वैक्यूम बचा। कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक के बाहर आप जाओगे तो वहां क्या है? वैक्यूम है। ब्रह्मांड के अंदर वैक्यूम है, कोई ग्रेविटी नहीं, कोई हवा नहीं, बस एक वैक्यूम है। तो जब आत्मा बाहर निकल गई, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी हमेशा के लिए वैक्यूम के अंदर समा गई, तो अभी आपके पूर्वज कहां है? उस वैक्यूम के अंदर है। इतना आपने दिमाग के अंदर रखना। और अब मेरी तीसरी बात को सुनना। महालय अमावस्या जो 14 अक्टूबर 2023 को आने वाली है, जिसे हम पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं, जिस दिन हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, कहते हैं कि अगर आप अपने पूर्वजों को गिव बैक करना चाहते हैं, जो उन्होंने आपको दिया आप उन्हें फिर से देना चाहते हैं, तो इस दिन आपको कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन अगर आप पूर्वजों को श्राद्ध करते हो, उनका तर्पण करते हो, तो वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। ये सारी जो कहानी आपको बताई जा रही है ना, इसके पीछे का रियलिटी में क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, ये आपको नहीं बताया जा रहा है। महालय अमावस्या इसे क्यों कहा जाता है? अमावस्या तो आपको समझ में आ गया, महालय क्यों कहा जाता है? तो महा और आलय, महा का मतलब आलिशान, ग्रेट, और आलय का मतलब घर। अब किसी भी आत्मा का महाआलय यानी कि आलिशान घर क्या है? ये शरीर। अब जब आपके पूर्वज की मृत्यु हो गई है तो इस शरीर से वो आत्मा बाहर चली गई है, वैक्यूम में चली गई है। अब जब आप जानबूझकर अपनी सांसें रोकते हो
वो वैक्यूम जब आपके अंदर क्रिएट होता है, वो घुटन जब आपके अंदर क्रिएट होती है, उसके बाद जब आप फिर से सांसें भरते हो तो आपको एक बहुत बड़ा सुकून महसूस होता है, जो सुकून आपको नॉर्मली महसूस नहीं होगा। अगर अभी भी ट्राई करो, डीप इनहेल करो, डीप एक्सहेल करो, उसके बाद फिर से डीप इनहेल करना, आपको जो सुकून महसूस होगा वो आपको नॉर्मल सांसें लेते समय नहीं होगा। पता है आपको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक बार वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना, उसके बाद जब सांसें भरते हो तो आपकी लाइफ जो है वो एकदम फ्लो में काम करना शुरू कर देती है। इसी वजह से जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमें कहते हैं कि डीप ब्रेथ लो, फिर छोड़ो, फिर से डीप ब्रेथ लो। क्यों? क्योंकि जब आप वैक्यूम क्रिएट करके फिर से सांसें अंदर डालते हो ना, तो आपकी लाइफ का जो प्रोसेस है, आपके शरीर का जो प्रोसेस है, वो एकदम प्रॉपरली अरेंज हो जाता है। अब महालय अमावस्या, जो चीज अंदर हो रही है वही बाहर हो रही है। उस अमावस के दिन ना चांद का इफेक्ट है ना सूरज का इफेक्ट है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक ऐसी पोजीशन में हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन महालय अमावस्या के दिन जो देवी है, जो शक्ति है, वो धरती पर आती है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि जब ये आत्मा शरीर से बाहर चली गई, जब आपके पूर्वजों की मृत्यु हो गई थी, वो मृत्यु जब हुई तब वो इस वैक्यूम के अंदर समा गए, लेकिन वो आत्मा फिर किसी और शरीर में जाएगी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर जो है वो खत्म हो जाता है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती है, आत्मा शरीर बदलती रहती है। तो जब आपके अंदर से निकल गई, वैक्यूम में समा गई, उसके बाद वो फिर से किसी के अंदर जाएगी। तो ये जो टाइम है, ये टाइम ऐसा है, अमावस्या की ऐसी सिचुएशन है जब लाइफ को प्रोसेस में लाना बहुत ईजी होता है। जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आप स्ट्रेस में और सांसें अंदर बाहर करोगे तो आपको आराम महसूस होगा, तो जब वैक्यूम की सिचुएशन बनती है ना, उस दिन अगर किसी के अंदर आत्मा डाली जाए, ये सुनने में बड़ा ऐसा लग रहा है कि क्या बातें हो रही है, लेकिन उस दिन किसी के अंदर आत्मा डाली जाए तो वो प्रोसेस बढ़िया हो जाता है, एकदम प्रॉपर प्रोसेस हो जाता है। इसी वजह से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महालय अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन इस ब्रह्मांड के अंदर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, वो वैक्यूम ऊपर ऐसा क्रिएट होता है कि उस दिन अगर कुछ ऊपर से इस कुदरत में से हमारे शरीर के अंदर आएगा तो वो लाइफ प्रोसेस बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ये जो कहा गया है ना, ये जो लाइन कही गई है कि देवी जो है वो पृथ्वी के अंदर आती है, देवी जो है वो पृथ्वी पर डिसेंड होती है, उसका मतलब यही है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी तत्व आपके मूलाधार चक्र का तत्व है, और आपकी आत्मा, आपका शरीर, मनुष्य का जीवन मूलाधार चक्र से ही शुरू होता है। तो हमारे शास्त्रों में ये चीजें कहानियों में बताई गई है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि वैक्यूम से, उस ब्रह्मांड से, उस अनंत आकाश से आपके शरीर के अंदर देवी प्रवेश करती है। ये आए दिन हर रोज करती है, लेकिन ये दिन ऐसा होता है जिस दिन ये इफेक्ट हमारे बहुत क्लोज होता है, हम इसे महसूस कर सकते हैं। हमारी सांसें तो हर रोज चल रही है, लेकिन जब हमने वैक्यूम क्रिएट किया और बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट किया, बहुत लंबे समय तक सांसें नहीं ली, और फिर जब हम सांसें ले रहे हैं तो हमारे शरीर में वो फीलिंग जो हमें आती है वो महसूस हो सकती है। नॉर्मल लाइफ में भी हमारी सांसें बाहर तो जा ही रही है, जब अभी आप सांसें ले रहे हो तो नॉर्मल लाइफ में भी आपकी सांसें अंदर बाहर हो ही रही थी, लेकिन तब आपको ये फीलिंग नहीं आती है। लेकिन जब बड़े लंबे टाइम का वैक्यूम, उसके अंदर सांसें जब आपने भरी तो उस घुटन में जब सांसें गई तो आपको वो फीलिंग आएगी। ऐसा ही इस कुदरत में हो रहा है। महालय अमावस्या एक ऐसा दिन है जब वो इफेक्ट हमारी सेंसिटिविटी के बहुत करीब होता है, और उस दिन को हम जितनी भी चीजें वैक्यूम में हो, और वैक्यूम से वो एनर्जी जब एक मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रही है, उस बीच में उस सेंसिटिविटी को, उस एनर्जी को हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कहा जाता है पितृलोक से पृथ्वी लोक पे जब आपके पूर्वज, वो वैक्यूम है, आपके पूर्वज जब कोई भी है वो सब वैक्यूम बन गए, मेरे पूर्वज, आपके पूर्वज सब वैक्यूम है, तो अब हम सबके पूर्वज ब्रह्मांड है, हम सबके पूर्वज वैक्यूम है। तो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम, जब वो वैक्यूम से इस पृथ्वी लोक के ऊपर वो एनर्जी डिसेंड होती है, उस बीच में हम उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यों करना है कॉन्टेक्ट? देखो, हमारे चाहे पूर्वज हो जाए, चाहे ऋषि मुनि हो जाए, चाहे ये कुदरत हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन सब के साथ हमारे कुछ डेब्ट है। जैसे बैंक से आप लोन लेते हो तो वो लोन की भरपाई करनी पड़ती है, वरना बैंक वाले आपको जेल कर देंगे, आपके ऊपर कोई सजा मुकदमा चला देंगे। सेम वही चीज है, आपके डेब्ट है सारी चीजों के साथ। आपके पूर्वजों ने आपके लिए बहुत कुछ किया तो उनके साथ भी एक डेब्ट है, इस कुदरत ने आपके लिए बहुत कुछ किया तो उनके साथ भी एक डेब्ट है, उधार है। मान लो किसी मनुष्य ने आपके लिए कुछ किया था, उसके साथ भी है, किसी जानवर ने आपके लिए कुछ किया था, उसके साथ भी है। हमारा कल्चर ये मानता है कि हमको मुक्ति अगर चाहिए तो हमें ये सारे उधार को चुका देना होगा, अगर हम ये उधार नहीं चुकाएंगे तो ये हमारे कर्म बनते जाएंगे, तो हमें इन उधार को चुकाना होगा। तो इसी वजह से हमारे कल्चर में ऋषि पंचमी भी आती है, जिस दिन हम हमारे ऋषियों को गिव बैक करते हैं।
अलग अलग कुदरत से मिलते जुलते, किसी दिन किसी जानवर के लिए कोई फेस्टिवल आता है, किसी दिन किसी कुदरत में पेड़ों के लिए कोई फेस्टिवल आता है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, बरगद के पेड़ की पूजा होती है। तो हम हर तरीके से हर एक को जिन्होंने हमें कुछ दिया है उस उधार को हम चुका रहे हैं, जिसे हमारे वेदों में योगिक साइंस में ऋणाण बंध कहा जाता है। तो वो जो ऋण है, जो उधार है, उसे हम चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाला अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन वो वैक्यूम से जो पितृ हैं, यानी आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो जो एनर्जी है वो किसी और मनुष्य में, किसी और धरती पर, एक जगह पर आ रही है। ये होता तो हर बार है, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जिस दिन वो वैक्यूम बहुत लंबा है। वो वैक्यूम ऐसा है कि वो फील आप कर सकते हो। अब इसे और कोई तरीके से मैं समझा नहीं पाऊंगा, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप बहुत कुछ रियलाइज कर पाएंगे। और अभी जो मैं आपको समझाऊंगा वो बहुत कीमती है, प्लीज सुनना मेरी बात ध्यान से। वो जो आ रहे हैं ना महाला अमावस्या के दिन, अगर आपके जीवन में कोई भी चीज चल रही है, ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि भगवान को भजने से पहले अगर आप अपने पूर्वजों को गिव बैक करोगे, अपने पूर्वजों को भजोगे, अपने पूर्वजों की भक्ति करोगे, तो वो आपको जो पुण्य देंगे वो भगवान भी नहीं दे सकते हैं। तो ये जो टाइम है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, आप श्राद्ध करो या ना करो, जो मैं बता रहा हूं ना उतना करना। महाला अमावस 14 अक्टूबर को आ रही है, उस दिन अपने पूर्वजों से कांटेक्ट करना चाहते हो, वो जो एनर्जी है ना, वो हमारी ह्यूमन सेंसिटिविटी, हमारे ह्यूमन के एक कवरेज एरिया के अंदर होती है। अपने 5G जैसे 4G पकड़ते हो ना, वैसे ये कवरेज एरिया के अंदर है हमारे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप पौधों को पानी दे दो, किसी जानवर को खिला दो, या फिर किसी कौओं को खिला दो, या फिर बस हाथ जोड़ के उस दिन पूरे दिन में किसी भी 2-3 मिनट के जो उधार है उन्हें बस गिव बैक करो, उनके सामने हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करो, उन्हें धन्यवाद दो, बस वो फीलिंग लेकर आओ, सरेंडर कर दो। हर बार महाला अमावस्या के दिन ये करो, धीरे धीरे वो जो शक्ति है वो भी आपकी मदद करेगी, वो जो आपके कर्म है, वो जो आपके ऋण है, वो भी समाप्त हो जाएंगे। और जो पितृदोष है, पितृदोष यानी कि आपके एंसेस्टर्स ने अगर कुछ गलत किया होगा, अब उसकी भरपाई आपके ऊपर आएगी, लेकिन उस चीज से हम बच सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी वजह से ऐसे दिन को ढूंढा, उनके योग, उनके ध्यान की वजह से उन्हें समझ में आया कि एक ऐसा दिन है जब ये हो सकता है। तो कोई पूर्वज कौवा बन के नहीं आता है, कोई पूर्वज आपका खाना खाने नहीं आता है, ये एक भाव है जो आप पैदा करते हो आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवे में, उस चीज को क्लियर करते हो, वो ऋण जो है उसे आप साफ कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा टाइम है जब आप इस नेचर को, इस कुदरत को, पितृ को, सबके ऋण से मुक्त हो सकते हो। बस इतना करो। ये चीज समझाने में मैंने मेरी बहुत एनर्जी यूज की है, मैंने इसको इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है। इतने दिनों तक मैं सोच रहा था कि आप तक मैं ये कैसे पहुंचाऊं, कैसे समझाऊं, क्योंकि ये चीज समझाना बड़ा मुश्किल है। जब तक आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं है तब तक ये चीज नहीं समझ पाओगे। तो बस गुरु की मदद से, बस मेरी कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से ये चीज मैं आपको इजीली समझा पाया हूं। तो अगर आप इसको समझे हैं तो बस आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको और लोगों तक बांटो। चाहे आप समझा दो, खुद समझा दो, मेरी वीडियो को मत शेयर करना, चलेगा, वरना कोई कहेगा मैं ये सब मांग रहा हूं। बस आप ये चीजें किसी और को समझाओ। हमारे कल्चर के डेप्थ में चलते हैं, हम हमारे कल्चर को समझना है। एनर्जी आ रही है, देवी आ रही है, देवी है शक्ति यानी देवी जो आपके मूल आधार में होती है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। जब मृत्यु होगी ना तो कुंडलिनी निकल जाएगी बाहर और आपकी मृत्यु हो जाएगी। बस इतना कीजिए ना, ठीक है। चलिए 14 अक्टूबर को ये करना, और इस बार नहीं, कभी और वीडियो देख रहे हो 14 अक्टूबर के बाद, तो अगले साल भी महाला अमावस्या आती है तब ये करना। बस इतना ही, नमस्कार।